कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वनाथं गोकुलं प्रभु त्रातुमर्हसि देवाना कोपिता भक्तवात्सल्य। लेट्स स्टार्ट आवर जन्माष्टमी। नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। Yeah.
थे कौन? धरती में आए तो क्यों आए?
किस कारण से आए वो जानना जरूरी है। भगवान नारायण हम सभी जानते हैं, विष्णु भगवान, उनके कई अवतार होते हैं। और एक बात, हम लोग जो इंसान होते हैं वो जन्म लेते हैं, लेकिन जब भगवान आते हैं वो जन्म नहीं लेते, वो अवतार लेते हैं। क्या पहला सपना है मालूम है, लेकिन उल्टा गिनती करे तो ये आठवां हो जाता है। क्या पता यही आपके काम बन जाए, तो इसको मारना ही ठीक है। फिर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, कई सारे राक्षस को उन्होंने मार दिया। राक्षस कंस ने तो भेजा था, पुतना को भेजा, बकासुर को भेजा, अघासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, तालिया दमन, कई सारे लीलाएं उन्होंने की। हमें अंत में कहना चाहता हूं कि हमें कृष्ण चरित्र से मैं क्या सीखना चाहिए, क्या सीख मिलता है। आए राक्षस को मारे, कंस को मारे, गोपी के साथ राशि रखा, वृंदावन में नृत्य किया, मधुबन में नृत्य किया, फिर चले गए क्या। लेकिन भगवान कृष्ण ने हमें बताया, भगवान कृष्ण ने हमें गीता दिया है, महाभारत गीता दिया है, गीता में हमें भगवान ने क्या कहा। राम ने जो किया है वो करो, भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करो। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, कर्म निवाधिकार अस्ति मा फलेषु फलाचना, ये कहा था। Please turn your hands and close your eyes. Just chant Shakti Mantra.